चप्पल चप्पल से टिकटॉक स्टार वो बीजेपी की नेता ने सरेआम सरकारी कर्मचारी को मारा। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। हरियाणा राज्य की भारतीय जनता पार्टी की नेता व टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट, ये महिला हरियाणा दूरदर्शन पर भी काम कर चुकी है, मॉडलिंग भी कर चुकी है, एक्टिंग भी करती है, फिल्मों में भी आती जाती रहती है। पिछले 12 साल से राजनीति में रहकर बीजेपी के कई चुनावों में प्रचार भी कर चुकी है। इसने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में विवादित बयान भी दिया था। इसने कहा था कि भारत माता की जयकार नहीं कर रहे हो तो क्या आप लोग पाकिस्तानी हैं? सोनाली फोगाट को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के हिसार जिले में आदमपुर सीट के लिए विधानसभा चुनाव के लिए उतारा था, परंतु कांग्रेस के नेता कुलदीप बिसोई ने इनको 55,000 वोटों से हराया था। दरअसल ये टिकटॉक स्टार वो भारतीय जनता पार्टी की नेता के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बालसमंद मंडी में सोनाली फोगाट अपने समर्थकों के साथ पहुंचती है और कुछ विवाद के कारण एक मार्केट सचिव वो सरकारी कर्मचारी सुल्तान सिंह को अपनी सैंडल से मारती है, और वो भी एक पुलिस वाले की मौजूदगी में, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं। सर, मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बैंक ने इन्हें क्या सेट बनाने के लिए, मैं सेट बनाने के नोट कर लिए। मैं सकती हूँ मार्केट रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ, जो भी काम का मेरा सारा काम सर मैं सेट बनाने के लिए काम मैंने सेट बन देगा जी। जो भी मैं, इसने गलत भाषा इस्तेमाल की जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात मैं जी, मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में देखा बैंक जी का रिपोर्ट लिखो। नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। सर, क्या समझ रखा आपने मुझे? तो अभी आपने देखा कि सोनाली फोगाट किसी विवाद के कारण पुलिस कर्मचारी की मौजूदगी में सचिव वो सरकारी कर्मचारी को कैसे चप्पल चप्पल से मार रही थी, और पुलिस वाले से कह रही थी कि आप इसके विरोध में रिपोर्ट लिखो। इसने मुझसे अभद्र भाषा में यानी बदतमीजी से बात की है, परंतु आप देख सकते हैं इस वीडियो में, और आपने देखा होगा इस वीडियो में कि कौन किस से बदतमीजी से और अभद्र भाषा से बात कर रहा है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अभद्र भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है। अगर इस महिला की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, तो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच अपने आप को प्रख्यात करने के लिए ऊट पटांग की बयानबाजी करते रहते हैं, किसी भी मामले को लेकर हाथापाई करते रहते हैं और अपनी दबंगी का सबूत देते हैं। इसी तरह ये टिकटॉक स्टार वो भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट ने विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा की जनता से कहा था कि आप लोग भारत माता की जयकार नहीं करते, क्या आप पाकिस्तानी हैं? ये वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। आइए कुछ दृश्य आपको इस वीडियो के बताते हैं। पाकिस्तानी हो क्या? अगर हिंदुस्तानी हो तो भारत माता की जय बोलो। अगर हिंदुस्तान के निवासी हो तो भारत माता की जय बोलो। शर्माने चाहिए तो वो भारत माता की जय नहीं बोल सकता। देखा आपने इस महिला की पब्लिसिटी स्टंट। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कई इतिहास रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं और दूसरों को देशद्रोही बताते हैं, इसीलिए इसका नतीजा ये निकला कि हरियाणा के जनता को पाकिस्तानी और देशद्रोही बताने से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता कुलदीप बिसोई ने 55,000 वोटों से इनको हराया और खुद ये 28,000 वोटों पर सिमट गई। शायद हो सकता है हरियाणा की जनता को इनका राष्ट्रवाद समझ में नहीं आया होगा या पसंद नहीं आया होगा, परंतु सोनाली फोगाट का ये वीडियो वायरल हो चुका है और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अपने रसूख का और हरियाणा में बीजेपी सरकार का लाभ उठाकर, फायदा उठाकर दबंगई कर रही है। इसीलिए एक पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में सरकारी कर्मचारी को चप्पल चप्पल से पीटना ऐसी हरकत कर रही है, जिससे चारों तरफ इसकी निंदा की जा रही है। इसी पर उत्तर प्रदेश की एक
सब इंस्पेक्टर अलका ने इस वायरल वीडियो को देखकर इस मामले पर कहा कि ये जो भी महिला है ये महिला न्याय और कानून से बढ़कर नहीं है। अगर सरकारी कर्मचारी ने कुछ गलती भी की है तो सजा देने के लिए कानून है, आप जज नहीं है। मुकदमा तो तुम जैसी महिलाओं पर होना चाहिए जिसने सरेआम ऐसा किया। अगर मैं मौके पर होती तो तुमको तुम्हारी औकात जरूर दिखाती और तुम स्त्री होने का फायदा उठाना भूल जाती, ऐसा उत्तर प्रदेश की सब इंस्पेक्टर अलका ने कहा। ऐसा ही एक मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी का भी है। जब दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था उसी समय ये बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने भी ड्यूटी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया था। देखिए इस तस्वीर को। इसके बाद इनकी भी खूब निंदा हुई थी। यूं ही एक बात और बताते चलते हैं कि 26/11 का कांड, पूरा भारत जानता है 26/11 को क्या हुआ था। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने खुलेआम बयान दिया था कि जाबाज सिपाही हेमंत करकरे को मैंने श्राप दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी हरकतें और अपने ऐसे ऊटपटांग बयानबाजी, इनका इतिहास रहा है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये सत्ताधारी सरकार अपनी इस पूर्व उम्मीदवार सोनाली फोगाट पर क्या कोई कार्रवाई करेंगी जिसने सरेआम एक सरकारी कर्मचारी को सैंडल से मारा है, और क्या उस पुलिस अधिकारी पे कोई कार्रवाई होगी जिसकी मौजूदगी में ये घटना घटी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये थी हमारी टिकटॉक स्टार वो भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट पर विस्तार से जानकारी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।